गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेवंथ क्लास मैथ की क्लास में चैप्टर है हमारा सिक्स और एक्सरसाइज है 6.3, जिसमें हमने क्या करना है कि जो हमारा ट्रायंगल दे रखा है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने 6.2 और 6.1 में एंगल से रिलेटेड बहुत सारे सम किए थे, उन्हीं के बेस पे हम आज अपना 6.3 एक्सरसाइज का सेकेंड सम करेंगे, जिसमें क्या देखा था 6.1 और 2 में कि एक लीनियर जो पेयर होता है हमारा, लीनियर पेयर का जो सम होता है वो कितना होता है 180। अगर मैं ये लीनियर पेयर लेता हूं एंगल वाई और इसको मैं मानता हूं एंगल ए, तो एंगल वाई और ए ये क्या हो जाएगा 180। और ये किस लिए होगा, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहां पर वाई निकालना है, एंगल ए की वैल्यू दे रखी है 120, तो y हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60। ये y की वैल्यू हमारी 60 आ जाती है। तो अगर एक ट्रायंगल के अंदर y की वैल्यू हमारी 60 है, ये एंगल हमारे 50 दे रखा है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल हम इसको मान लेते हैं z प्लस एंगल जेड, टोटल सम ऑफ एंगल्स इन दैट एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो हमारा एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, वाई की वैल्यू हमने निकाली थी 60 और जेड की वैल्यू हमने यहां पर दे रखी है 50। तो 60 प्लस 50 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 110, यानी एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 70। तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 70। एक तो तरीका है आपका ये, दूसरा तरीका क्या है, यहां पर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और अगर मैं उसका सम देखता हूं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो अगर ये 120 था और ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 70 आ जाएगा। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये 120 है, ये आपका क्या हो जाएगा 180 में से माइनस करेंगे ये वाला, तो ये आपका आ जाएगा 60। तो आप कोई भी तरीका आप इसमें यूज कर सकते हैं। यहां पर देखते हैं, ये एंगल 80 है, ये एंगल y है, तो मैं इसको मान लेता हूं एंगल a, तो एंगल a और एंगल y ये आपका क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसमें हम कंडीशन देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये 80 है तो y की वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी 80 डिग्री आ जाएगी। अब यहां से इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z टोटल 180 होता है, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू हमारी 80 आ गई थी, z की वैल्यू हमें दे रखी है 50, तो x इज प्लस 80 और 1 ये 50 क्या होता है 130, फिर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 130 प्लस है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा साइन चेंज यानी माइनस, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50 डिग्री। ये हमने निकाला y की वैल्यू, क्योंकि क्या था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। अब 80 प्लस 50 130 हो जाएगा, टोटल आपका सम होता है ट्रायंगल के अंदर 180, तो 130 को हम 180 में से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। इसी तरीके से हम देखते हैं, ये आपका ले लेते हैं हम एंगल a, ये एंगल b और ये एंगल y, एंगल a एंगल b प्लस एंगल y ये आपका मान लेते हैं 180। एक ट्रायंगल के अंदर सम होता है, सम ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 180, a की वैल्यू हमारे पास है 50, b की वैल्यू हमारे पास है 60, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो 50 और 60 110, y इज इक्वल टू 180 में से जब मैं 110 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 70 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री। अब एक लीनियर पेयर में हम क्या देखते हैं, एंगल x प्लस एंगल y 180 होता है, मेंशन करेंगे किस लिए होता है, लीनियर पेयर के लिए। उसके बाद एंगल x हमें निकालना है, y की वैल्यू हमारे पास 70 है,
तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 110 यानी 110 आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। तो इस तरीके से हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बाकी इसके अभी तीन पार्ट्स और रहते हैं, सेकंड सम के हमने आज थ्री पार्ट्स ही करवाए हैं, थ्री पार्ट्स और रहते हैं, आप एक बार अपने आप ट्राई करेंगे, नहीं तो हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें भी हम वो तीनों सम करवाएंगे। तो आज 6.3 के हमने सेकंड पार्ट के जो सेकंड सम थे उसके थ्री पार्ट ही किए हैं। आज के लिए हम करेंगे इतना ही। थैंक यू बच्चों।